रांची के हिंदपीढ़ी इलाके रेड जोन में होने के कारण यहां मोहल्ले और गली के रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि अंदर के लोग दूसरी जगह न जा सके। हिंदपीढ़ी इलाके की निगरानी के लिए पहले झारखंड पुलिस को तैनात किया गया था, लेकिन यहां के लोगों के रवैये को देखते हुए बाद में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहां पर की गई। हिंदपीढ़ी से सटे कोतवाली थाना क्षेत्र के हरमू पुल के पास पुरानी रांची नूर नगर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग विवाद होने की वजह से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग ऊंचा करने को लेकर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कोतवाली डीएसपी कोतवाली थाना प्रभारी ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। एक गली है हिंदपीढ़ी नूर नगर जाने का, तो इस रास्ते को हम लोगों ने बफर जोन घोषित करके इसको हम लोगों ने घेरा है। तो ये लोगों का, यहाँ के लोगों का मांग था कि इसको नीचे ही डबल लेयर नो किया जाए। डबल लेयर करने से इनके सामान, जरूरी सामान आर पार करने में दिक्कत होती है। तो इन लोगों की दिक्कत को समझ करके हम लोगों ने डबल लेयर नहीं, सिंगल लेयर करके इन लोगों का मामला खत्म कर दिया है। और इन लोगों की मांग पूरी हो गई है, ये लोग चले गए हैं। यहाँ से सामान आर पार करने में दिक्कत होती थी, इसलिए यहाँ पे लोग इस पथराव की भी बात सामने आ रही थी। अभी तक वैसा कहीं नजर नहीं आया है, पथराव की बात अभी के बारे में कोई पता नहीं चल सर। जैसे बीते दिनों जो घटनाएं हुई कि लोग इधर अगल बगल से निकल जा रहे थे, हिंदपीढ़ी के लोग, तो ऐसे में अगर एक लेयर हटा दिया जाएगा तो आसानी से पार हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ पे फोर्स का बल हम लोग बढ़ा दे रहे हैं ताकि किसी तरह का इस तरह की शिकायत नहीं प्राप्त। लोगों का कहना है कि उन्हें सामान लाने और जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।